दिस इज अश्मिता फ्रॉम सिविल सेंटर एंड वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, लेकिन आज हम लोग एक रिव्यू लेंगे हमारे ही एक स्टूडेंट से जो अभी हमारे से कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो हीरेंद्र, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम है हरेंद्र वसावा। मैंने एमटेक तक स्टडी की है। मैंने अभी मैं रियल एस्टेट वैल्यूएशन में अभी मेरा दूसरा मास्टर्स चल रहा है। ये कोर्स ज्वाइन करने का मेरा पर्पस यही था कि हमने अभी तक तो काफ़ी सारी पढ़ाई तो की चुकी है, काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक हमने सब पढ़ चुके अब तक, लेकिन जो सिस्टमेटिक है अभी अभी का जो लेटेस्ट है कि हम शॉर्ट टाइम है कि जो हमारी लेंथी जो प्रोसीजर है उनको हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, वही सिस्टमेटिक अप्रोच हम ले पाए, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। ओके, तो पहले ये बताइए कि आप एमटेक कर लिए हैं तो अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी मैंने बोला अभी एक कंसल्टेंसी है, उसमें मैं वैल्यूएशन का काम कर रहे हैं अभी, और साथ साथ में वैल्यूएशन का स्टडी ही कर रहा हूँ मास्टर्स का। तो मुझे भी ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि शायद नहीं कि अभी मैं फ्यूचर में अभी मेरे खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करूँ, तो कैसे मैं ऐसा सिस्टमेटिक वे में कि एस्टिमेशन से लेके हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग तक सब कुछ कैसे अच्छे से कर पाऊँ, इसलिए मैंने सिविल सेंटर का ये मेंबरशिप ज्वाइन किया। ओके, तो आपने कौन कौन सा कोर्स अब तक किया है? अभी तक मैंने हमारा पहला ही अभी मेरा फर्स्ट ही मंथ है, तो अभी एस्टिमेशन तक ही हुआ है, लेकिन उसमें मैंने गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन की है। तो उसमें जो सब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के रिगार्डिंग है, सब जो मतलब एक इंजीनियर को जो सब रिक्वायरमेंट है एस्टिमेशन से लेकर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तक, और उसके बाद की जो भी सर्विसेज है जो मैं अच्छी तरह से दे पाऊँ, इसके लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। ओके, तो फिलहाल आपका कौन सा कोर्स चल रहा है क्या आप बता सकते हैं? यस, अभी मेरा एस्टिमेशन चल रहा है G+1 बिल्डिंग का। ओके, तो बहुत सारे व्यूअर्स को हमारे ये डाउट रहता है कि जो कोर्स है वो एक्चुअल में वर्थ इट है या नहीं, कुछ मतलब वैसा नॉलेज हम लोग को प्रोवाइड होगा या नहीं। तो आप तो कोर्स कर रहे हैं, आपका कंटिन्यूइंग में चल रहा है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो पहले ये बता दीजिए कि आपका जो मोड है वो ऑनलाइन मोड था कि ऑफलाइन मोड था? हाँ, मेरा ऑनलाइन मोड है, और सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम एक पैंडेमिक से अभी गुजर रहे हैं, तो काफ़ी सारे मेरे जैसे हो गए कि हमें वो क्या आता है थोड़ा, लेकिन हमें अभी क्या हमारा जो स्किल हमें शार्प करना है, तो हम ऐसा तो नहीं कि हम साइट पर जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, तो उसका भी हमें थोड़ा खतरा रहता है कि क्या करें कैसे करें, और घर पे बैठे तो ऐसे हम टाइम तो निकल नहीं सकते। तो यस, दिस इज़ ऑनलाइन मोड। थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कि हम समझ नहीं पाएंगे। हम अच्छी तरह से जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से समझ लेते हैं, भले भी वो ऑनलाइन हो, और जो भी हो हमें काम करना है वो सब अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ओके, तो आप अभी ये बताइए कि आप तो बता दिए कि हाँ हम लोग ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आपको जैसे डिफिकल्टी आपने बोला कि डिफिकल्टी कुछ कुछ टेस होता है, तो आपको तो डाउट्स भी आते होंगे, तो आपको वो डाउट्स क्लियर किया जाता है? हाँ, यस, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जैसे हम ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तब भी हमें काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, ऐसे ऑनलाइन में भी आएंगे। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में एक बेनिफिट जो मुझे मिला है जो वह है कि शायद मुझे कभी कुछ चीज़ मुझे भूल गया मैं अभी शायद कि अभी मुझे पता नहीं कि इसमें क्या करूँ, तो मैं वापस में उसको जो रिपीट करके मैं उसे दे सकता हूँ, उसको फिर से मैं अपना जो प्रॉब्लम है मैं अपना सॉल्व कर सकता हूँ। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आप कभी मतलब नहीं अटेंड कर पाए कोई भी मतलब कोई क्लास, तो अगर
मतलब वो क्लास चल रहा है और आप अटेंड नहीं किए हैं, तो आप वो क्लास देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको मिलता है यहाँ पे ऐसा सुविधा कुछ? हाँ, ऐसा काफी टाइम ऐसा होता है कि हम अपना टाइम शेड्यूल हम मैच नहीं कर पाते, तो क्या है सिविल सेंटर से मुझे वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, तो क्या मेरे टाइम के सूटेबिलिटी के हिसाब से मैं अच्छी तरह से वो कर लेता हूँ, और उसमें जो डिफिकल्टीज आती है और ऐसा बहुत कम होता है कि डिफिकल्टीज आती है, तो क्या वो फैकल्टी को बोल के वो सब सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ ओके, तो आप मतलब अब आपको जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं मतलब एस्टिमेशन में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप मतलब सेल्फ भी बना सकते हैं इसके बाद, मतलब ये कोर्स कंप्लीट होने के हाँ बाद? हाँ डेफिनेटली वो क्या हम हाँ जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, अब तक जो हमने कन्वेंशनल हमारी स्टडीज की है, तो उसमें क्या है हम जो इसका जो विजुअलाइजेशन है उसके साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए इस कोर्स से वो हम क्या करते हैं कि जो भी ऐसा थियोरिटिकल तो है लेकिन उसके प्रैक्टिकल के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो हम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, और उसको जो प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छी तरह से करके हमारा जो भी प्रॉब्लम है डाउट है जो और उसको क्लियर करके हम अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ अब जो भी ऐसा काम आएगा तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, तो अभी जो हम लोग के व्यूअर्स हम लोग को देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, तो उनको अगर ऐसा मतलब मन में होता है कि नहीं मुझे भी ये कोर्स करना है, तो आप रेकमेंड करेंगे उनको भी कि मतलब वो भी ये कोर्स करे, उनको भी बेनिफिशियल होगा? कितना हद तक बेनिफिशियल होगा? हाँ डेफिनेटली 101% मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अब ऐसे घर हम घर पे बैठे ऐसे डाउट क्लियर कर सकते हैं ना, वो बहुत अच्छी बात होती है, तो हमें करना ही चाहिए। ओके रेंद्र, तो आप ये बताइए कि आप कैसे कांटेक्ट में हैं सिविल सेंटर के? वैसे मैं काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज ढूंढ रहा था कि जो मुझे अच्छे से ऐसे मुझे नॉलेज प्रोवाइड कर सके और जो उसे मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकूं, तो मैंने काफ़ी सारे सर्च किए काफ़ी सारे देखे, लेकिन उसका जो मैंने उसकी जो वेबसाइट चेक की उसके आपके वहाँ फैकल्टी के साथ मैंने बात की, तो एक्चुअली मैं ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू ही मुझे पता चला था कि सिविल सेंटर का, फिर मैंने यूट्यूब पे जाके उसका सर्च किया, फिर मैंने वेबसाइट सर्च की, फिर मैंने आपके फैकल्टी के साथ बात किया, तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा कि हाँ दिस इज गुड, तो फिर मैंने ऐसे ज्वाइन किया। ओके, तो आप जैसे कि जानते हैं कि सिविल सेंटर का एक खुद का यूट्यूब भी चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी है सिविल सेंटर, तो वहां से भी लोग अप्रोच कर सकते हैं, तो वहां से भी क्या मतलब अप्रोच जो करेंगे वो, तो उनको रिजल्ट मिलेगा? हाँ मैम डेफिनेटली ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज है जो उसमें एक मुझे पर्सनली बोलो तो उसमें ई टेप्स और टेकला के बारे में बताया था मुझे, क्योंकि हम काफ़ी सारे इंजीनियर्स उसमें हम प्रॉब्लम में रहते कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे कौन सा ना सीखे, तो वो मुझे बहुत सा अच्छा डाउट क्लियर किया था उस सेशन के देखकर, तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे छोटे छोटे डाउट्स है तो ऐसा हमें यूट्यूब के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके रेंज, तो आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं सिविल सेंटर से, तो होप करते हैं आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो चलिए हम लोग इस रिव्यू को यहीं पे एंड करते हैं, तो आप रेकमेंड कर दीजिए कि हम लोग के जो व्यूवर्स हैं उनको भी कि उनका जो है जो थिंकिंग रहता है कि नहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड समझ में आएगा नहीं आएगा वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, मैं फिर बार एक सभी व्यूअर्स को रिकमेंड करता हूँ कि हाँ आप जा सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, क्योंकि आपके सारे डाउट्स आपको जो भी लगता है कि नहीं ऐसे डाउट नहीं क्लियर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, प्लस मेरी बात करूँ तो आप ऐसा प्रैक्टिकली भी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इसके बाद, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन थ्रू जा सकते हैं। ओके, तो आपको
जो थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी कैसे इम्प्लीमेंट करना वो भी सिखाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमारा जो भी होता है हमारा एस पर आईएस के साथ ही होता है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कोई भी पॉइंट हमारा यहाँ पे छूट जाए, इसलिए डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, होप करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छा रिव्यू मिला होगा कि कंटिन्यू जो कोर्स कर रहे हैं उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है सिविल सेंटर से। तो चलिए आज का रिव्यू हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू रेंद्र। थैंक यू मैम।